नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। नोटबंदी के समय जो बैंक कर्मचारी रात रात भर जग कर लोगों के नोट बदल रहे थे, तब किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि बैंकों को निजी हाथों में बेच देना चाहिए। लाखों बैंक कर्मचारी अपने कार्यभार से अतिरिक्त समय निकालकर जनधन योजना के तहत लोगों के अकाउंट खोल रहे थे, तो किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि ये बैंक कर्मचारी निकम्मे हैं, ये बैंक कर्मचारी अब देश पर और सरकार पर बोझ बन चुके हैं। यही बैंक कर्मचारी जब प्रधानमंत्री के कई योजनाओं का 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जो लोगों का पैसा था वो जमा कर रहे थे और निकालकर उनको दे भी रहे थे, तो किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये बैंक कर्मचारी निकम्मे हैं, ये बैंक कर्मचारी अब इस देश पर और सरकार पर बोझ बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोग सत्ता की यारी से 11,000 करोड़ रुपए उड़ाकर देश छोड़कर भाग जाते हैं, तो कई विशेषज्ञ अंग्रेजी अखबारों में चींटी की तरह निकल पड़ते हैं और ये मांग करने लगते हैं कि बैंकों का निजीकरण हो जाना चाहिए। बैंकों के निजीकरण पर और जो बैंक एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लगातार इस देश में लोगों को सेवा दे रहे हैं ताकि यहां की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, उनके शोषण की कहानी आपको मैं बताऊंगा। किस तरीके से बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए, निजीकरण करने के लिए सरकार एक सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, इस पर अपना पक्ष रखूंगा। और अपना पक्ष नहीं, आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखूंगा ताकि आप समझ पाइए कि किस मानसिक और शारीरिक शोषण से एक बैंक कर्मचारी गुजरता है। आपको याद होगा 28 अगस्त की तारीख, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी, मेरा खाता भाग्य विधाता का नारा दिया गया था। चलिए उससे पहले आपको कुछ पेपर कटिंग्स दिखाते हैं ताकि जो स्टोरी का बैकग्राउंड है आप समझ पाइए। देखिए, 4 फरवरी 2017 को हिंदुस्तान अखबार के वाराणसी संस्करण में खबर छपती है कि मऊ में स्टेट बैंक के कर्मचारियों की कमी से हो रही परेशानी। 21 दिसंबर 2017 को हिंदुस्तान अखबार के टिहरी के संस्करण में खबर छपती है कि बैंक में स्टाफ की कमी से उपभोक्ता परेशान। 7 जुलाई 2018 को अमर उजाला के लखनऊ संस्करण में खबर छपती है कि बैंक के कर्मचारियों की कमी से उपभोक्ता परेशान। 12 जून 2020 को पत्रिका के दैनिक संस्करण में पिछोर जिला की खबर छपती है कि बैंक शाखा में स्टाफ की कमी का खामियाजा भुगत रहे ग्राहक। 13 फरवरी 2020 के दैनिक जागरण के भोपाल संस्करण में छपता है कि SBI में स्टाफ की कमी का खामियाजा भुगत रहे उपभोक्ता। और इस तरह के जो सैकड़ों खबर है वो आपको दिखाना संभव नहीं है, इसलिए कुछ खबरें हमने आपको दिखा दी ताकि आप समझ पाइए कि बैंक में स्टाफ की कमी है और इसका खामियाजा सिर्फ आम जनता नहीं झेलता है। आम जनता सिर्फ इस पीड़ा से नहीं गुजरता है, सिर्फ उसे ही घंटों लाइन में नहीं लगा रहना पड़ता है, बल्कि जो काउंटर के उस तरफ बैठे लोग हैं, जो क्लर्क है, प्रोविजनल ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, उनको जनता से दोगुना पीड़ा सहना पड़ता है, उस दर्द से गुजरना पड़ता है, मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। आप खुद सोचिए, आप अगर एक बैंक एम्प्लॉई है और आप बैठे हुए हैं काउंटर के उस तरफ और आपके सामने 100 लोगों की लंबी लाइन है और आपको पता है कि सभी से आपको खुद ही डील करना है, तो आप किस मानसिक अवस्था से गुजरेंगे। अब यहां पर यह तर्क आप मत दीजिएगा कि इसके लिए उन्हें सैलरी मिलता है। सैलरी जितना मिलता है उससे 5 गुना अधिक उन्हें काम करना पड़ता है, यह बात मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा। चलिए अब वापस हम आते हैं 28 अगस्त 2014, जिस दिन धनधन योजना की शुरुआत होती है। चलिए अब आंकड़ों पर सीधे आ जाते हैं। 2014 के अगस्त 23 से 29 के बीच 1,80,96,130 खाते खुलते हैं जनधन योजना के तहत, और 27 जून 2018 आते आते तक 31,80,00,000 खाते खुल गए होते हैं जनधन योजना की तरफ। वहीं 2 जून 2021 यानी 2 महीने पहले की बात करें तो 42,40,00,000 जनधन खाते खुल चुके होते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि 2014 के पहले कुल कितने लोग थे भारत में, कितनी संख्या थी लोगों की जो बैंक से कनेक्टेड थे, तो यह आंकड़ा लगभग 38% भारतीय बैंक से सीधे तरीके से कनेक्टेड थे। यानी उस समय अगर आबादी 125 करोड़ रही होगी तो उसका 38% आप निकाल लीजिए और वही आंकड़ा बैंक से कनेक्टेड था। यानी लगभग 45.5 करोड़ भारतीय 2014 के पहले, नरेंद्र मोदी के आने के पहले, बैंक से कनेक्टेड थे, उनका खाता था। अब अगले आंकड़े पर चलते हैं।
कुल बैंकों की संख्या की बात करें तो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंकों की संख्या 12 है, प्राइवेट सेक्टर 22, फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक 44 है, रीजनल यानी क्षेत्रीय बैंक 43 है, अर्बन कोऑपरेटिव 1484 और ग्रामीण कोऑपरेटिव की बात करें तो यह 96,000 इनकी संख्या है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक कर्मचारियों की समस्या क्या है और सरकार इसे निजीकरण करने का किस तरीके से प्लान बनाकर उस पर काम कर रही है। पहले हम बात कर लेते हैं बैंक एम्प्लॉयज की समस्या, उनका जो मुख्य जिस ट्रबल से वो गुजरते हैं उसके ऊपर। देखिए पहला जो सबसे बड़ा समस्या है वो है मानव संसाधन की कमी। 2010 से 2020 का जो समय था इसके बारे में रिजर्व बैंक ने एक टिप्पणी की थी कि यह समय बैंक कर्मचारियों के रिटायरमेंट का समय है, सेवानिवृत्त होने का समय है। यानी जो एक बैच था बैंकर्स का उसमें एक बड़ी संख्या अब रिटायर हो रही है। आप खुद समझिए कि 2014 के पहले 45.5 करोड़ लोग बैंक से जुड़े हुए थे और 2021 के समय उस 45.5 करोड़ में लगभग 42 करोड़ और बढ़ गया वो संख्या, यानी लगभग 87-88 करोड़ अब आज के समय में ऐसे कस्टमर्स हैं जो बैंक से जुड़े हुए हैं। और बैंकर्स की संख्या की बात करें तो वो संख्या अब कम होकर 3/4 हो चुकी है। ऐसे में एक और आंकड़ा आपको मैं इसके बीच बता ही देता हूं। देखिए ये आंकड़ा है कि जो कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें अगर हम कुल ब्रांच की बात करें जो पूरे देश में है तो ये संख्या 88,563 है और कुल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 551,957 है। ये 2018 के 12 दिसंबर का आंकड़ा है और ये आंकड़ा आपको CEIC के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये सर्वे किया गया था और इसमें जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार लगभग 5.5 लाख बैंक कर्मचारी हैं जो 88 करोड़ की आबादी से डील करते हैं। यानी एक बैंक एम्प्लॉय को प्रति माह 1526 लोगों से डील करना पड़ता है और प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 60-62 कस्टमर से एक बैंक कर्मचारी को जूझना पड़ता है। तो ऐसे में जो सबसे प्रमुख समस्या है वो यही है, मानव संसाधन की कमी, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब चलते हैं दूसरी समस्या की तरफ। दूसरा समस्या जो है वो है आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देखिए बैंक्स में आप हमेशा सुनते होंगे, आप जाते होंगे तो आपको तजुर्बा भी होता होगा, लिंक फेल है। इंटरनेट और जो सॉफ्टवेयर जिस पर बैंक में काम होता है, जिस पर डेटा चढ़ाया जाता है, जिस पर डेटा सेव होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुके हैं। भारत सरकार इसे अभी तक अपडेट नहीं कराई है जिसके चलते जो काम है, जो गति है काम का, वो बहुत स्लो होता है। और भारत के 50% बैंक आज भी इस स्थिति में है कि वहां पर इंटरनेट MBPS नहीं बल्कि KBPS की स्पीड से चलता है। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, लगभग 60% भारत का बैंक ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल एरियाज में है, और वहां पर आज भी KBPS की स्पीड में बैंक काम कर रहा है। बाथरूम जो कि एक बुनियादी जरूरत है महिलाओं के लिए, 50% बैंकों में टॉयलेट नहीं बनाया गया है अभी तक। अब चलते हैं तीसरी समस्या की तरफ कि बैंक के काम के अलावे सरकारी स्कीम का संचालन करना। देखिए बैंक का मुख्य दो कार्य होता है, पहला डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरा पैसा कर्ज देना यानी लेंडिंग मनी। लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद सैकड़ों योजना आ चुका है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, कई तरह के स्कीम्स है, गैस का पैसा हो, चाहे जो कोविड के समय जो 500 रुपया दिया जा रहा था, इस तरह के कई स्कीम्स हैं जिसका पैसा अब बैंक के माध्यम से ही कस्टमर्स को मिलना है। इसके तहत बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, कस्टमर तो परेशान होते ही हैं, साथ साथ जो बैंक एम्प्लॉयज हैं वो भी उनसे दोगुना परेशान होते हैं। और जो चौथा और मूलभूत समस्या है वो यही है कि उच्च अधिकारी और सरकार की मिलीभगत। जी हाँ, बैंक कर्मचारियों की कुल संख्या की बात करें तो उसका 1% से कम लोग ऐसे हैं जो उच्च अधिकारी हैं और उनका अगर सरकार से किसी मामले पर डील होता है किसी बात पर, तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनके बारे में वो नहीं सोचते, उनसे राय परामर्श नहीं करते, उनसे संवाद नहीं करते और सीधे जो फैसला होता है वो नीचे वाले कर्मचारियों पर, ब्रांच मैनेजर हुआ, जनरल मैनेजर हुआ या फिर जो क्लर्क हुआ, सबऑर्डिनेट्स हुआ, उन पर थोप दिया जाता है, जिसके चलते प्रताड़ित वो ऊपर बैठे लोग नहीं होते हैं बल्कि जो नीचे का कर्मचारी है वो हो जाता है। तो ये चार मूलभूत समस्याएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सरकार किस तरीके से सुनियोजित तरीके से बैंकों का निजीकरण करने के लिए क्या कर रहा है। देखिए पहला पॉइंट
कर्मचारियों की कमी से लगातार एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई सालों में लगभग 7-8 सालों के अंदर आपने लगातार ये रिपोर्ट पढ़ रहे रिपोर्ट आ रही है मीडिया के माध्यम से कि बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो या फिर इलाहाबाद बैंक हो, कोई भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए लगातार बढ़ रहा है और उनकी तुलना में प्राइवेट सेक्टर जो है उनका एनपीए उस मात्रा में, उस संख्या में, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा सके। और इसके पीछे, एनपीए बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि कर्मचारियों का कम संख्या, कर्मचारी जो है वो इतनी कम संख्या में है कि लोन रिकवरी नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी मिलीभगत भी रहती है, इसके कारण 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 20,000 करोड़ का लोन बड़े बड़े कंपनीज को दिए जाते हैं जिनका रिकवरी नहीं होता और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, वो है सारे धन कुबेर ग्राहक, यानी जो मोटे ग्राहक है वो प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसे आप आम जीवन में समझ सकते हैं। अगर आप सरकारी बैंक जाइएगा तो वहां पर आपको केसीसी कस्टमर मिलते हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं, क्योंकि वहां पर लंबी लंबी कतारें हैं। अगर किसी व्यक्ति को 50 करोड़ रुपए का अपना क्रेडिट अकाउंट खोलना है, सीसी खोलना है, कैश क्रेडिट, तो वो सरकारी बैंक में जाने से थोड़ा हिचकता है। कारण है कि वहां पर जो कैपिटल क्लास है वो ज्यादा पहुंच रहा है, खासकर तब से जब से जनधन योजना खुल गया है। वो कहा जाता है, वो जाएगा HDFC, वो जाएगा ICICI बैंक, वो प्राइवेट बैंकों में जाएगा जहां पर केबिन में आराम से ब्रांच मैनेजर के साथ बैठकर वो चाय पिएगा, वो बिस्किट खाएगा और आराम से अपना पैसा जमा करेगा या फिर लोन ले लेगा। तो इसके तहत जो मोटे कस्टमर हैं वो प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं और जो कैपिटल क्लास कस्टमर है वो सरकारी बैंक की तरफ जा रहा है, जिसके चलते बैंक लगातार नुकसान में जा रहे हैं। कौन से बैंक? सरकारी बैंक। अब चलते हैं अगले मुद्दे पर, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करना। मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि लगातार कर्मचारियों की संख्या घट रही है। इसके संदर्भ में एक आपको और पेपर कटिंग में दिखाई देता हूं। देखिए, 7 सितंबर 2020 को रिपोर्ट छपी थी जनसत्ता में, जनसत्ता के संस्करण में छपी थी कि भारतीय स्टेट बैंक 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को VRS देने की तैयारी में, लागत कम करने के लिए शुरू होगा स्कीम। तो एक तरफ ऐसे ही बैंक कर्मचारियों की संख्या घट रही है, लगातार लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा है, वर्क प्रेशर बैंक कर्मचारियों पर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार इस तैयारी में है कि अधिक से अधिक लोगों को बैंक से VRS दिया जाए, उन्हें बैंक से मुक्त कर दिया जाए। अब चलते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ, ग्राहकों की संख्या का बढ़ना और बैंक की शाखाओं का बंद करना। एक आंकड़ा है जो CEIC से मिला है, लगभग पिछले 7-8 सालों में बैंक मर्ज हुआ है, 19 बैंक से अब 12 बैंक बन चुके हैं PSU जो सरकारी बैंक है, और इस क्रम में लगभग हर राज्य में 300 से अधिक शाखा बंद कर दिया गया है। यानी अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगभग 4500 शाखाओं को बंद किया गया है। अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि जिस स्थिति में पिछले 7-8 सालों से बैंक चल रहा है और अगर यही ढर्रा रहा, यही स्ट्रक्चर में बैंक चलते रहा अगले एक दशक तक, तो इन 12 बैंकों में से आधा बैंक तो जरूर ऐसा होगा जो 2031 आते आते तक बंद हो चुका होगा। और जो जनता है, जो आम जनता है, जो बैंकर्स या बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझता है, उसके अनुसार निजीकरण कर देना चाहिए। मैंने पूरा आंकड़ा आपके सामने रखा, पूरा विश्लेषण कर आपको समझाया कि एक बैंक कर्मचारी किस शोषण से गुजरता है, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है, स्टाफ्स की कमी और कस्टमर्स का बढ़ना। आप खुद सोच लीजिए कि कैसे चलेगा इस देश का बैंकिंग व्यवस्था। और जो लोग निजीकरण के पक्ष में लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार वो चाहते हैं कि निजीकरण हो जाए, वो उस गरीब व्यक्ति का चिंता क्यों नहीं करते जिसे 100 रुपया से 1,000 रुपया तक जमा करना होता है। आप खुद अगर सरकारी बैंक से लोन लेते हैं या फिर प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। सरकारी बैंक 90 दिनों तक आपको परेशान नहीं करता है, आपका चार्ज नहीं काटता है, और प्राइवेट बैंक 30 दिन के बाद जो अगला दिन होता है उस दिन से आपका पैसा काटना शुरू कर देता है। इस पर विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखा है उस आंकड़ों पर आपका क्या कहना है, ये हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। द इंडिया टॉप पर ये वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।